पिछले लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जनरेशंस को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है सिस्टम यूनिट। दोस्तों सिस्टम यूनिट का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। दोस्तों आइए अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर का आखिरी पार्ट सिस्टम यूनिट को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जिस तरह आप अपने लिए और उन तमाम चीजों को जो आपके लिए अहमियत की हामिल होती हैं एक घर में महफूज करते हैं ताकि बाहर की चीजें आपको नुकसान ना पहुंचा सके, बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर के भी तमाम जरूरी कंपोनेंट्स को एक घर में महफूज किया जाता है जो कि सिस्टम यूनिट कहलाता है। आम तौर पर लोग इसको सीपीयू कह देते हैं जो कि गलत है। ये तो सीपीयू और कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को सिक्योर करने के लिए, महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सीपीयू नहीं होता बल्कि इसके अंदर सीपीयू मौजूद होता है। जिस तरह घर में सबसे मेजर कॉम्पोनेंट दीवारें होती है, सिस्टम यूनिट में सबसे पहला पार्ट होता है कैबिनेट जो कि एक ब्लॉक और बॉक्स टाइप का होता है। इसके अंदर सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और उन तमाम डिवाइसेस को महफूज रखने के लिए एक कवर की जरूरत होती है। कैबिनेट उस कवर का काम ही करता है। कैबिनेट कुछ इस तरह का दिखता है, एक बॉक्स की तरह। इसमें कुछ सुराख और फैन भी होते हैं ताकि इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से पैदा होने वाली गर्मी को बाहर निकाल सके। ये सिर्फ कंप्यूटर को डस्ट और बाहर की चीजों के नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कैबिनेट, बॉक्स, चेसेस कहा जाता है। जब आप इस कैबिनेट को हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद डिवाइसेस को आप बआसानी रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके साथ साथ उनको रिप्लेस करके और कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आपके सिस्टम यूनिट में 4GB की रैम थी, आपने उसको हटाकर 12GB की रैम अपने सिस्टम यूनिट में लगा दी। यानी आम तौर पर आप सिस्टम यूनिट में मौजूद डिवाइसेस को बढ़ा और घटा सकते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के कुछ नाजुक और जरूरी पार्ट्स को एक बॉक्स या हाउस में बंद होते हैं। ये बॉक्स लोहे या फिर प्लास्टिक का बना होता है। ऐसे बॉक्स को सिस्टम यूनिट कहा जाता है। दोस्तों सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, आइए हम इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले है पावर सप्लाई। दोस्तों जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये पावर को इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है कंप्यूटर को। ये सिस्टम यूनिट के साथ एम्बेडेड आती है यानी जुड़ी हुई होती है। जैसे ही हम कंप्यूटर से लगा हुआ स्विच ऑन करते हैं, पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी को कंप्यूटर के तमाम कॉम्पोनेंट्स को सप्लाई करती है। ये कुछ इस तरह की दिखती है। इसमें एक फैन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाली गर्म हवा को बाहर फेंकता है। इसमें ऊपर भी एक फैन होता है और कुछ पावर सप्लाईज में एक ही फैन मौजूद होता है। इन फैन के जरिए सिस्टम और उसमें मौजूद कंपोनेंट्स ओवरहीटेड नहीं हो पाते। किसी भी सिस्टम यूनिट में, किसी भी कंप्यूटर में एक अच्छी क्वालिटी का पावर सप्लाई होना बहुत जरूरी है। कि अगर आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, सीपीयू और दूसरी डिवाइसेस बहुत हाई क्वालिटी की हैं, मगर पावर सप्लाई उन्हें सही से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर रहा, तो कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकती। इसीलिए हर सिस्टम में एक अच्छी क्वालिटी का पावर सप्लाई होना बहुत जरूरी है। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को जैसे कि रैम, सीपीयू वगैरह को पावर देता है। यानी इसी डिवाइस की वजह से कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों में बिजली जाती है। आइए हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले घर के बोर्ड पर से कंप्यूटर का प्लग अटैच करेंगे। हमारे घरों में आमतौर पर एसी करंट यानी ऑल्टरनेटिव करंट फ्लो करता है। जब वो करंट कंप्यूटर में दाखिल होता है तो सबसे पहले पावर सप्लाई से गुजरता है। पावर सप्लाई उस एसी करंट पर दो काम करता है। उस एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील करता है क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट फ्लो करता है। इसके साथ साथ घरों में जो करंट फ्लो करता है वो 220 से लेकर 240 वोल्ट तक का होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को
5 से लेकर 12 वॉट तक की जरूरत होती है। तो ये ट्रांसफार्मर और स्विच मोड के जरिए वोल्टेज को 220 वॉट से 5 वॉट तक कम कर देता है, ताकि आपकी डिवाइसेस तक वो रिड्यूस हुआ हुआ करंट, वो रिड्यूस हुआ हुआ डायरेक्ट करंट भेज सके। दोस्तों ये थी पावर सप्लाई और उसकी वर्किंग। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने मदरबोर्ड के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि मदरबोर्ड होता क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज होता है और इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनका क्या यूज होता है? और मदरबोर्ड पर जितने कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रैम, सीपीयू वगैरह मदरबोर्ड में कहाँ लगाए जाते हैं? तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिसमें कंप्यूटर के सारे जरूरी कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, कीबोर्ड। ये तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के जरिए ही एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। दोस्तों ये एक प्लास्टिक की शीट होती है जिस पर तमाम डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सर्किट्स मौजूद होते हैं, यानी सर्किट्स प्रिंट हुए हुए होते हैं। इसलिए इसको लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है और सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। प्लास्टिक की शीट को मदरबोर्ड की बेस कहा जाता है, जो कि नॉन कंडक्टिव होती है, यानी इससे करंट गुजर नहीं सकता। इसके ऊपर एक पतली लेयर एल्युमिनियम और कॉपर फॉइल की होती है, जिनके जरिए सर्किट्स बनाए जाते हैं, ताकि कंपोनेंट्स को इन सर्किट्स के जरिए जोड़ा जा सके। ये सर्किट्स कंडक्टिव होते हैं, यानी इनसे इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, मींस इन्हीं सर्किट्स के जरिए बिजली को कंप्यूटर के तमाम हिस्सों में भेजा जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दोस्तों मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है, एक ऐसा लिंक होता है जिसके जरिए तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, यानी ये एक हब का काम करता है, जिसके जरिए जिसकी वजह से कंप्यूटर की दूसरी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ये हर यूजर की नीड और उसके बजट के मुताबिक आते हैं, यानी अगर किसी को स्पीड तेज चाहिए लेकिन मेमोरी कम चाहिए, तो इस मदरबोर्ड पर मौजूद कंपोनेंट्स को अपनी जरूरत के मुताबिक कम और ज्यादा कर सकता है। मदरबोर्ड पर बहुत से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स और पोर्ट्स वगैरह। सीपीयू और मेमोरी एक चिप के जरिए मदरबोर्ड से जोड़े जाते हैं, जिसके ऊपर पहले से सर्किट्स मौजूद होते हैं। ऐसे मान लें कि मदरबोर्ड एक बड़ी चिप है, जिस पर सीपीयू और मेमोरी छोटी छोटी चिप्स जिन पर सर्किट्स मौजूद होते हैं मदरबोर्ड से जोड़ी जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कंपोनेंट्स अपनी जरूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और उन कंपोनेंट्स को पोर्ट्स और स्लॉट्स के जरिए आप मजीद सर्किट्स को मदरबोर्ड के साथ जोड़े जा सकते हैं। दोस्तों ये तो था मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सीपीयू। सीपीयू को माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ये आपकी हाथ की हथेली के बराबर एक प्लास्टिक की चिप होती है, जिस पर सर्किट्स मौजूद होते हैं। दोस्तों ये एक डिवाइस है, एक हार्डवेयर है, इसे आप इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हैं, जिसके जरिए कंप्यूटर में इनपुट होने वाले डेटा, जिसे आप रॉ फैक्ट्स और फिगर कहते हैं, इसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। दोस्तों किसी भी माइक्रोफोन से इनपुट किया गया डेटा या फिर किसी कीबोर्ड से टाइप किया गया डेटा को रॉ फैक्ट्स और फिगर कहलाते हैं। दोस्तों माइक्रोप्रोसेसर इन्हें प्रोसेस करता है और यूजर की रिक्वायर्ड आउटपुट में तब्दील करता है, यानी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर तब्दील करता है। दोस्तों इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में आप जो भी वर्किंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, एडिटिंग करते हैं, जो भी वर्क कंप्यूटर में आप करते हैं वो सब प्रोसेस होकर आपकी आउटपुट स्क्रीन तक आ रहा होता है। इनपुट आप कहीं से भी करें, वो प्रोसेस होने के लिए आपके प्रोसेसर के पास ही जाता है, और प्रोसेस होने के बाद ही आप उसको यूज में ला सकते हैं। इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों इसीलिए माइक्रोप्रोसेसर यानी सीपीयू पर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे अपने काम को करने के लिए कुछ कॉम्पोनेंट्स की जरूरत होती है, जिनमें दो बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स में भी दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट
जिसके जरिए तमाम बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कराए जाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मूव, फ्लोट वगैरह। दोस्तों इसके बाद है लॉजिक यूनिट, जिसके जरिए किसी भी दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन यानी मवाजना करवाया जाता है, जो कि किसी कंडीशन के बिना पर डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a इक्वल्स टू b। तो दोस्तों इस तरीके से लॉजिक यूनिट के अंदर कंपैरिजन कराए जाते हैं। इन कंडीशंस के आंसर या तो ट्रू आ सकता है या फिर फॉल्स, और इन आंसर्स के बिना पर कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर a बराबर है 10 के और b बराबर है 5 के। अब इन दो नंबर्स के दरमियान हम कंपैरिजन कराएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि क्या a b से बड़ा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 10 5 से बड़ा होता है, तो ये प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर यहाँ पर a की जगह a के अंदर 5 होता और b के अंदर होता 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो ये यहाँ पर नहीं आता बल्कि फॉल्स को प्रिंट कराता। इस तरीके से लॉजिक यूनिट दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन कराता है, यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन भी हो सकता है और इक्वल्स टू भी हो सकता है। दोस्तों अरिथमेटिक यूनिट के अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कराए जाते हैं, और लॉजिक यूनिट के अंदर किसी भी दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन कराया जाता है। दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद जो माइक्रोप्रोसेसर का दूसरा मेन कंपोनेंट होता है वो है कंट्रोल यूनिट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज और ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है, जो कि बताता है कि कंप्यूटर में कौन से डेटा को कहाँ फ्लो करना है यानी कहाँ भेजना है। दोस्तों किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या क्या काम करता है, इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये फेच करता है यानी मेन मेमोरी में मौजूद इंस्ट्रक्शंस को निकालता है, उसके बाद डिकोडर के जरिए उनको डिकोड करता है यानी इंस्ट्रक्शन को समझता है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए ALU को यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को दे देता है। तो दोस्तों आइए इसको डिटेल में देखते हैं। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑपरेशंस जिनको परफॉर्म होना होता है वो सब मेन मेमोरी में मौजूद होते हैं बिट्स की शक्ल में। कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को जिन्हें परफॉर्म होना होता है मेन मेमोरी से निकालता है और एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया में रख देता है। दोस्तों इस तमाम काम को फेच कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट एक-एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है यानी तमाम इंस्ट्रक्शन को एक-एक करके निकालता है। के बाद फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन जो कि निकाली है वो है मल 5.5, यानी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो डिकोडर इसको समझता है कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है और फिर उसको ALU को दे देता है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके जरिए कंप्यूटर में मौजूद तमाम मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कराए जाते हैं अरिथमेटिक यूनिट के जरिए। तो अरिथमेटिक यूनिट इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है यानी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल यूनिट को दे देता है। कंट्रोल यूनिट इसको दोबारा मेन मेमोरी को दे देता है। तो दोस्तों इस तरीके से कंट्रोल यूनिट यानी आपका माइक्रोप्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों ALU को CPU का कोर भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, तो ये कोर दरअसल ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को ही कहते हैं। ये तमाम एग्जीक्यूशन ALU ही करता है, इसीलिए जितने ALUs की तादाद ज्यादा होगी उतनी ही तेजी के साथ इंस्ट्रक्शंस को CPU प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल डुअल कोर प्रोसेसर है तो उसमें दो ALUs होंगे, जिसकी वजह से दो इंस्ट्रक्शंस एक साथ प्रोसेस हो सकती हैं। तो कोर का सेंस ALU से होता है, और किसी भी माइक्रोप्रोसेसर में एक से ज्यादा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल यूनिट सिर्फ एक ही होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सिस्टम यूनिट, उसके पार्ट्स जैसे कि पावर सप्लाई, मदरबोर्ड और माइक्रोप्रोसेसर के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को डिटेल में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम माइक्रोप्रोसेसर के दूसरे कंपोनेंट, रजिस्टर्स और इस तरीके के दूसरे कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे।